વિપક્ષના નેતા બન્યા બાદ રાહુલ ગાંધી પહેલી વાર આજે ગુજરાત પહોંચ્યા હતા. અહીં અમદાવાદમાં તેઓ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને મળ્યા હતા. કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી અને ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે અયોધ્યાની જેમ ગુજરાતમાં પણ ભાજપને હરાવીને રહેશે. ગુજરાતની જનતાને કહ્યું કે તમે ડર્યા વિના બીજેપી સામે લડી ગયા તો બીજેપી સામે ઊભી રહી શકશે નહીં. वैसे ही अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे. आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको. आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है. बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाई. मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है. अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है. इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है. चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं. जो हमने कहा, और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं. कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे.